आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सेलिंग ट्रेन को खोलते हैं, अंदर के जो इक्विपमेंट होते हैं इसको किस प्रोसेस से खोलेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेलिंग फैन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम इसके जो वायर हैं, वायर के जो टर्मिनल हैं उनको अलग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल को दूर दूर कर देते हैं, सारे टर्मिनल को हम खोल लेते हैं और कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, जंक्शन बॉक्स जो है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वायर लगा हुआ है, इस वायर को यहाँ से खोल लेते हैं। और यहाँ से इसको हमने रिमूव कर लिया, जितने भी यहाँ पे स्क्रू हैं सबको आप एक किसी नट्स के अंदर रख लीजिएगा ताकि घूमे ना। इसके बाद यहाँ पे जो सेलिंग फैन के जो स्क्रू हैं, फ्रेम के, बॉडी फ्रेम के जो स्क्रू हैं, वो स्क्रू हम यहाँ से खोलते हैं। आप बने रहिए इस पूरी वीडियो में किस तरीके से सेलिंग फैन के जो स्क्रू हैं उसको खोल लिया है हमने। अब इसके यहाँ पे इसको फ्रेम को बॉडी से रिमूव करते हैं। ये फ्रेम को हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायरिंग हो रही है हमारी वो स्टेटर के ऊपर हो रही है। और जैसा कि यहाँ पे हम सीरीज बोर्ड से, सीरीज कनेक्शन से वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वायरिंग में कोई मिस्टेक है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, देखते हैं। चलो वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं सीरीज टेस्टर से। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लाइए आप। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि सीरीज टेस्ट बोर्ड हमारे यहाँ से तैयार हो चुका है, और उसको एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। सीरीज टेस्ट को वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो आपको हम बता दें कि चेक करने से पहले हम यहाँ पे वायरिंग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम आपको वायरिंग के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला वायर है, इस रेड वाले वायर को हम बोलते हैं कॉमन वायर बोलते हैं। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के दोनों वायर को कॉमन कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग वायर और दूसरा जो ब्लू वाला है हमारे पास, ये रनिंग वायर, इन दोनों में हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, कैपेसिटर को जोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं चेक करके। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड वायर में, एक येलो वायर में जैसे हमने जलाया तो हमारा जो है बल्ब, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगेन चेक कर रहे हैं, फिर से एक बार यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला कॉमन वायर है और येलो वायर है वहाँ पर किसी प्रकार का जो बल्ब है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लू वायर पर डालते हैं, चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बल्ब है वो थोड़ा यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो है एक वायरिंग कंप्लीट है, चालू कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, और जो दूसरी जो वायरिंग है, सेकंड वायरिंग, वो हमारी यहाँ से जा चुकी है। उसका जो वायर है कहीं से शॉर्ट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, या टूट गया है, जल चुका है। तो अब यहाँ पर इसकी वायरिंग की ही चेंज होगी। तो चलिए इसको खोलते हैं, खोलने का प्रोसेस हम पूरा सीख लेते हैं कैसे वायरों को खोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो वायर है इसको ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारे बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं जो घर पे खोलते हैं, तो उसमें ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले वायर को यहाँ रिमूव कर देंगे, ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे। अब जैसे आप वायर को यहाँ से निकाल लोगे तो वायर अपना इसके ऐसी पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको यहाँ से ठोक के निकालोगे तो फिर ये वायर आपका कहाँ टच होगा, ज़मीन पर, अर्थ पर टच होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये वायर हमारा डैमेज हो जाएगा, होगा ना। तो आप ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा, इससे पहले आप इनको इसी पोजीशन में रहने दें और उसके फ्रेम को आप ठोक लीजिए ताकि यहाँ पे कोई वायर नहीं है, आसानी से हमारा फ्रेम ऊपर का जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप ये वाली गलती, यहाँ से वायर ऊपर निकाल लो, उसके बाद आप ठोकोगे तो ये पूरे वायर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसको खोलते हैं ठोक कर पोजिशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खोलने के लिए बॉडी जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर एक स्क्रू लगाओ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। खोलिए इसको, इस स्क्रू को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है, ओके। अब आफ्टर ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो तीनों नट हैं इन नट्स को भी रिमूव कर लेते हैं।
बने रहिए इस पूरी वीडियो में। हम आपको यहाँ पे एक एक स्क्रू, एक एक नट कहाँ पे लगा हुआ है सबको खोलकर आपको यहाँ पे बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से किसी भी सेलिंग पिन को आप खोलो तो आपको उसका वर्किंग प्रोसेस पता हो, और जहाँ से हम खोल रहे हैं वहाँ पर आपको इसको वापस से लगाना भी होगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको खोल के कभी भी ग्रीसिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से आसानी से ग्रीसिंग कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ कर करते हैं शाफ्ट को थोक कर खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको खोलने की कोशिश है, इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से घुमाएं और कुछ करने की जमीन पर ठोक लें, ताकि हमारा जो स्टेटर है वो रिमूव हो। और आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप इसको ज़ोर से ठोको और जो हमारे वायर है यहाँ पर आके कट सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा लूज़ कर लें। इसके बाद यहाँ से आप वायर को अंदर डालेंगे, उसके बाद हम ये वायर को अंदर डालेंगे और फिर इस ऊपर वाले फ्रेम को निकालेंगे। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कैसे करेंगे, फिर से आप समझिए। इन वायरों को आप पहले नहीं निकालोगे, पहले इस फ्रेम को रिमूव करोगे, लूज़ करोगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम हमारा लूज़ हो चुका है, दिखाइए बॉडी है हमारी, देखो ये लूज़ हो चुकी है आसानी से। ठीक है, ये देखो सरक रहा है ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे, वायरों को अंदर से निकाल लेते हैं और पूरा हमारा जो बॉडी है बाहर निकल के आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये वायर हमारे ऊपर निकल चुके हैं और इसको हम ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ चुका है और अब यहाँ से आप इसको बॉडी को रिमूव कर सकते हो और आसानी से स्टेटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से सेलिंग फैन को खोलते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, अब इसमें स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है, आप इसको सीरीज टेस्ट बोर्ड से चेक कर लीजिएगा। और अगर स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी शॉप पर आप इसको इजी वे में मशीनरी द्वारा बनवा सकते हैं, जो आपका जो चार्ज रहेगा 200 के आसपास से बांध देगा आपकी वायरिंग को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आया। ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर दें और लाइक करें। अगर कुछ चीज़ आपको यहाँ पर पूछनी है किसी भी बारे में, कैसे बोलते हैं, कैसा कोशिश होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।